आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपका खास और स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ट्रेंडिंग भोजपुरी में हम पूरे दिन की सबसे बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं किसी स्टार से बल्कि एक ऐसे राजनेता से जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और उनका नाम है सुधीर सिंह। जी हाँ, एक ऐसा राजनेता जिन्होंने अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव को धमकी दी थी, जिसके बारे में खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। उसी बीच अब सुधीर सिंह का एक और नया बयान सामने आया है, एक और नई खबर सामने आई है। बिल्कुल, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव को धमकी देने वाले जो राजनेता हैं सुधीर सिंह, इस बार उन्होंने क्या कुछ नया बयान दिया है, क्या बातें कही हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल से विवाद के बाद सुधीर सिंह चर्चाओं में छाए हुए थे, लेकिन विवाद के बाद से सुधीर सिंह ने भोजपुरी के द्विवर्थी गानों का विरोध नहीं छोड़ा है। दरअसल हाल ही में सुधीर सिंह ने अपने फेसबुक पर ये बात जाहिर की है कि जब से उन्होंने भोजपुरी के गंदे गानों का विरोध किया है, तब से उन्हें बिहार के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। हाल ही में एक बार फिर से अपने होने वाले एक कार्यक्रम में सुधीर सिंह ने भाषण देते हुए भोजपुरी के द्विवर्थी गानों के बारे में वहां मौजूद दर्शकों से काफी सारी बातें बोली। दिघवा दिघौली में हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सुधीर सिंह पहुंचे थे। वहां से सुधीर सिंह लाइव भी आए और उनकी बातों का दर्शकों को पता भी चला। उस वीडियो के दौरान सुधीर ने एक और पोस्ट लिखते हुए ये कहा है कि मिटा देंगे गंदगी समाज से, भोजपुरी हमारी माटी है, ये कारवां चल दिया है अपने मुकाम पे, देखते हैं कौन किस पे भारी है। अब तो नवका तट छोड़ चली, पता नहीं किस और चली, ले लील भले ही धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। वेल, सुधीर के इस पोस्ट से एक बात तो साफ है कि द्विअर्थी गानों और सिंगरों के खिलाफ सुधीर ने जो मुहिम शुरू की है उसे वो थमने नहीं देंगे। तो देखा आपने दोस्तों, सुधीर सिंह जहां एक तरफ खेसारी लाल यादव को धमकी देने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, तो वहीं एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता फुहरता जैसे चीज़ों को ख़त्म करेंगे और कई लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। खैर, अगर कई लोगों का ये भी कहना है कि सुधीर सिंह जो कह रहे हैं वो सही है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि सुधीर सिंह सिर्फ पब्लिकसिटी पाने के लिए, पब्लिकसिटी के लिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो समय आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे पास आई हुई है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और मृगनयनी के नाम से जाने जाती हैं हमेशा अक्षरा सिंह। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह का जहाँ 21 तारीख को दिल्ली के मयूर विहार में उन्होंने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार स्टेज शो किया था, ये बात आप लोगों को पता है, तो वहीं अब एक बार फिर से 26 तारीख को वो नज़र आने वाली हैं, वो दर्शकों के बीच धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाली हैं। लेकिन कहाँ पर, बिल्कुल कौन सा राज्य है जहाँ पर अक्षरा सिंह के दीवाने का इंतज़ार होगा खत्म, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह का 21 जुलाई को दिल्ली में काफी शानदार स्टेज शो हुआ था, जिस स्टेज शो में अक्षरा के अलावा खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और राखी सावंत भी पहुंचे थे। लेकिन वो अलग बात है कि ये सभी लोग एक साथ एक स्टेज पर नजर नहीं आए। वैसे आप लोगों को बता दें कि जिस दिन अक्षरा सिंह का स्टेज शो होने वाला था, उसी दिन अक्षरा सिंह स्टेज शो के बाद वो लाइव आई और अपने दर्शकों से, यानी कि अपने चाहने वालों से ढेर सारी बातें की। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 26 तारीख यानी कि 26 जुलाई को रांची में भी उनका एक बहुत ही शानदार स्टेज शो होने वाला है, जहां वो रांची के फैंस से मिलने पहुंचेंगे। वैसे इस समय पर अगर अक्षरा सिंह की फिल्मों की बात करें, तो इस समय पर अक्षरा सिंह का सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है उनका 21 तारीख को होने वाला स्टेज शो का वीडियो, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो
तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह को लेकर ये एक बड़ा सवाल सामने आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे पास आई हुई है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर के साथ साथ एक्टर खास करके और हमेशा हमेशा दर्शकों के दिल में जो जवान लोग हैं उनके दिलों की धड़कन बन चुके हैं हमारे हीरो प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की। बिल्कुल कहा जा रहा है इस साल की प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की जो फिल्म आ रही है दुल्हन चाहे पाकिस्तान से पार्ट 2, वो फिल्म बहुत ही हाई बजट की है, बहुत ही बड़े बजट पर उस फिल्म को बनाया जा रहा है। लेकिन वाकई में ये फिल्म जिस तरीके से फिल्म का टीज़र रिलीज हुआ उसमें ऐसा लग ही रहा है कि ये फिल्म वाकई में बहुत धमाकेदार और शानदार होने वाली है। लेकिन दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म करने से पहले हमारे प्रदीप पांडे चिंटू ने ये जानकारी दे दी है कि आखिरकार इस फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू का जो फिल्म है दुल्हन चाहे पाकिस्तान से पार्ट 2, उसका ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय और युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की मोस्ट पॉपुलर फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से का सीक्वल पार्ट 2 काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तब से इस फिल्म को देखने के दर्शकों में इंतजार और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दी है। दर्शकों के अलावा इस टीजर को देखने के बाद कई फिल्म सितारों ने भी चिंटू की तारीफ की और इस फिल्म को हिट होने की उम्मीद जताई है। इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई सारे कलाकार होने के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई तकनीशियनों के साथ राहुल देव नजर आएंगे। बाकी कलाकारों का जिक्र टीजर में किया जा चुका है। तो इतनी सारी खासियत से भरी चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 का ट्रेलर की रिलीजिंग डेट भी सामने आ गई है। जी हां, आज से 7 दिन बाद यानी 30 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 का ट्रेलर, ऐसी खबरें हैं। तो वहीं 10 अगस्त को इस फिल्म को सिनेमाघरों में भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू बहुत जल्द यानी कि 30 जुलाई को आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं जिस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहे पाकिस्तान से पार्ट 2। और भाई जिस तरीके से पार्ट 1 को दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला था, ठीक चिंटू को उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उनकी ये फिल्म का सीक्वेंस भी है वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर हमारे पास रितेश पांडे की है, जैसा कि हम लोग बताते थे कि आने वाले समय के वो सबसे बड़े स्टार है और देखिए उनको अवार्ड भी ऐसा मिला है। जी हाँ, आने वाले समय के सबसे बड़े स्टार पॉपुलर अवार्ड पॉपुलर हीरो के अवार्ड में से रितेश पांडे को सम्मानित किया गया था और जो 21 तारीख को मलेशिया में भोजपुरी इंटरनेशनल अवार्ड शो हुआ था वहाँ पर रितेश पांडे को अवार्ड से दिया गया और इसी बात को जाहिर करते हुए वो लाइव आए, अपने दर्शकों से अपनी ढेर सारी बात की। तो हम बिना बात किए कम बिना हम आप बात करते हैं कम और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रितेश पांडे ने अपने दर्शकों से क्या बातचीत की। देखिए हमारी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और अपनी गायकी से बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर सिंगर रितेश पांडे बीते दिन पहले पहुंचे थे मलेशिया, जहां वो अवार्ड फंक्शन के बाद घूमते हुए मस्ती करते हुए और स्टारों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान रितेश अपने फेसबुक से लाइव भी आए थे और उनके आसपास कई सारी हीरोइनें थी जैसे कनक पांडे, आकांक्षा अवस्थी से लेकर संभावना सेठ और शिविका दीवान भी नजर आईं। इसके साथ ही बता दें कि लाइव आने के दौरान रितेश के फेसबुक पर शिविका दीवान काफी देर तक दर्शकों से बातें करती रहीं और तभी संभावना सेठ का अचानक रितेश पर फूट पड़ा प्यार और उन्होंने रितेश को गले लगाकर दे दिया एक किस। वेल, मलेशिया में मस्ती का सुरूर सिर्फ रितेश और एक्ट्रेस पर ही नहीं चढ़ा बल्कि पवन से लेकर निरहुआ आम्रपाली तक फंक्शन के बाद हल्की हल्की धूप के साथ हवाओं का लुफ्त उठा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन, आम्रपाली, प्रवेश और निरहुआ ने अपने इंस्टा अकाउंट से मस्ती के समय की खूब सारी तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर की हैं। इसके साथ ही मलेशिया से वापस लौटकर पवन और आम्रपाली शेर सिंह की शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं।
तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हमारे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू से लेकर रितेश पांडे कह लीजिए या फिर हमारी अक्षरा सिंह के साथ कह लीजिए या फिर बात कर लीजिए राजनेता सुधीर सिंह की, ये तमाम वो लोग हैं जो कि आज के समय पे आज के दिन के लिए सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बने थे और उनकी ये खबरें उनके साथ जुड़ी हुई थी। एंड आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपके सामने मैं प्रियंका राज फिर से लेकर आऊँगी कुछ नई खबरें, नई जानकारियाँ कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके और कोई भी खबर कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसा भाई हम नहीं चाहते। चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।